बसमिलरमर हमारे प्यारे आका हज़रत महमदालसूल सल्लाम इमामबिया थे अल्लाह करीम ने तमाम अम्बिया रसूलों में सबसे आला हमारे आका करीम सल्मा को बनायाज़ूर के औसाफ़ो भी अजीम अता फ़रमाए खुल के अजीम पर फायज़ किया इतनी अजीम शानों के मालिक महबूब अल्ला करीम ने अरमाए और नबी पाकलाम इसके बावजूद मुन का मिजाज थे आप सलाम्म इनतहाई मुतवादे थे आजी करने वाले थे अपने साथियों से घुल मिल जाते जो कोई जिस वक्त नबी वसल्लम से मुलाकात करना चाहता मेरे करीम आका वसल्लम उसी वक्त उससे मुलाकात फ़रमा लिया करते थे हज़ूर सल्लाम की बारगाह में ना तो कोई दरबान था और ना ही अवकात मुलाकात का कोई वक्त मुन था नबी पाक सलाम ना बादशाह थे और ना ही आप बादशाह बनना चाहते थे इस सिलसिले में सही हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तु से मरवी है फरमाते हैं कि फ़रिश्तों के सरदार हजरत जबरीर अमीन एक मरतबा रसूल तो सल्मा की बारगाह में बैठे हुए थे इसी दौरान में उन्होंने आसमान से एक फ़रिश्ते को ज़मीन पर आते हुए देखा तो कहने लगे कि जब से ये फ़रिश्ता पैदा किया गया ये ज़मीन पर कभी नहीं उतरा इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया जब वो फरिश्ता ज़मीन पर आया तो उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या बंदा नबी बनना चाहते हैं हज़रत जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह रसूल सल वस तबादा रबे का अपने रब की बारगाह में आजी कीजिए नबी पाकम ने उस फरिश्ते को जवाब दिया ला बल आबदन रसूला नबी पाकल जवाब दिया कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता बल्कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल ही बनना चाहता हूँ मोहतरम नाज्रीन नबी करीम सलातम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाह माहिनी मस्किनन व अमित मस्किनन व शुरनी फीज जु, जुमरतलमसाक़ीन यौमल अल्लाह मुझे मिसकीन होने की हालत में जिंदा रख और मिसकीनी की हालत में मुझे मौत अता फ़रमा और मसाकीन के ज़ुमर में, में मेरा हशर फरमा क़यामत के दिन नबी पाकलाम ये दुआ मांग रहे थे हज़रत अम्मायशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तह ने हजूर की यह दुआ सुन ली और अर्ज़ किया या रसूल सल्ला वसलम आप भी ऐसी दुआ मांग रहे हैं नबी पाकलाम ने फरमायशा इन न यद ख़लून अलजन्नत कबल अगन या हमब अरबाइन खरीफन के एयशा मस्किन लोग यकीन मालदारों से चालीस साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे फिर हजूर अक्रम सल्ला वल्लम ने हजरत अम्मशा तो को नसीहत फरमाई इरशाद फरमाया मस्किन को खाली हाथ न लौटाना अगरचे आधी खजूर ही दे दो मगर उसे खाली हाथ नहीं लौटाना नबी पाक सल्लमा ने फरमायायशा मस्किनों से मोहब्बत करो उन्हें अपना अपने करीब करो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन अपने करीब करेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुतवाज़े थे मुन मिजाज थे इसकी एक मिसाल ये भी बड़ी अजीम है कि हज़रत सैदुना सहल बिन हुनैफ रदी अल्लाह तह रिवायत करते हैं फ़रमाते हैं कान रसूल सल वम या ती दोफ़ाल मुसलमान व यूर हम वरदाह हम व यशु जनायज़ कि नबी अक्रम तो सल्ला व्लम कमज़ोर मुसलमानों के पास तशरीफ़ ले जाया करते थे हज़ूर उनसे मुलाकात भी फरमाते नबी पाक सल्लम उनकी तो इयादत भी फरमाया करते थे यानी जब कोई मस्किन लोगों में बीमार हो जाता हज़ू उसकी भीदत फरमाया करते थे और फ़रमाती हैं वह यशहद जनायज़ अम हज़रत साहल बन हुनै फरमाते हैं कि नबी पाकलीस गरीबों के जनाज़ों में भी शिरकत फ़रमाया करते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हज़ुर करम सल्ला सल्षाद फरया अलफ्र फखरी मेरे आका फरमाते हैं फ़कर मेरा फखर है हुजूर ने फकर को खुद इख्तियार फरमाया फकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियारी था वरना हुजूर अलैहि हजूर सलाम की बारगाह में किसी चीज़ की कमी ना थी बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौशे तो लसारत मई जबाल जहब आप फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तो ये उहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चले मेरे करीम आका की ज़ुबान कौन में अल्लाह करीम ने तमाम ख़जाने रख दिए खजानों की चाबियाँ अल्लाह करीम ने अपने महबूब को अता फ़रमा दीं मगर आका करीम वसल्लम ने फ़कर ही को इख्तीार फरमाया नबी पाक वसल्लम ने बादशाहत को पसंद नहीं किया हज़ूर अकरम सल्ला गरीबों की दस्तगिरी फरमाते मस्किन और महताज लोगों के साथ नबी पाक सल्लम बड़ी रहमदिल्ली फरमाते उनके साथ आपका का रवैया इंतहाई मुतवादा और आज़जाना हुआ करता था अल्लाह करीम हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की अता फ़रमाए वमा आलिया बलाग